आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही आसान और प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूंगी जिनका यूज करके आप अपनी स्पोकन इंग्लिश सुधार सकते हैं। द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन लर्निंग इंग्लिश और अदर एनी लैंग्वेज इज टू बी एबल टू थिंक इन इंग्लिश। अब आप सोच के देखिए कि जब आप अपनी मदर टंग में बात करते हैं, जो भी आपकी मदर टंग है, तो क्या आप सोच के बोलते हैं? क्या आपको कुछ भी बोलने से पहले अपने दोस्तों के बीच में, अपनी फैमिली में, फोन कॉल पे सोच के बोलना पड़ता है, पॉज लेके बोलना पड़ता है? नहीं, क्योंकि आप अपनी मदर टंग को यूज करने के लिए अकस्टम्ड हैं। आप इतने ज्यादा एक्सपोज्ड हैं कि आपका थिंकिंग टाइम वर्सेस आपका कहने के टाइम में गैप नहीं है, और हमें किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए इन दो प्रोसेसेस के बीच का टाइम कम करना है। और वो टाइम कम कैसे होगा? जब हम उसी लैंग्वेज में सोचना चालू करेंगे। तो आप अपने दिन के बारे में सोचिए, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, कोई भी हो, सिट एंड थिंक अबाउट योर डे। इजी सेंटेंसेस बनाइए, शॉर्ट सेंटेंसेस सोचिए। अगर आपको प्यास लगी है फॉर एग्जांपल, तो इंग्लिश में सोचने की कोशिश करिए कि आई थिंक आई एम थर्स्टी। जरूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई वर्ड्स यूज करें। हमारा यहाँ पर इनिशियल डेज में ये नहीं होना चाहिए कि हमारी ग्रामर एकदम पक्की हो जानी चाहिए या हमें एकदम हाई फाई वर्ड्स यूज करने आने चाहिए इंग्लिश में। दैट इज नॉट द एम। वहां पर भी आप पहुंचेंगे, लेकिन दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सो ट्राई एंड फॉर्म सिंपल सेंटेंसेस विद इजी वर्ड्स जो आपके दिमाग में आसानी से रजिस्टर हो जाएं। जैसे जो भी आप सोच रहे हैं, आई वॉन्ट टू रीड द न्यूज पेपर, अपनी क्लास के बारे में सोचिए, आई अटेंडेड 6 सेशंस ऑफ मैथमेटिक्स टूडे, आई हैड अ लवली वर्कशॉप टूडे। ज्यादा से ज्यादा अपनी मदर टंग को इंग्लिश से रिप्लेस करें, और जैसे जैसे ये परसेंटेज बढ़ता जाएगा कि जितना आप इंग्लिश में सोचते जाएंगे, जितना कम आप अपनी मदर टंग में सोचते जाएंगे, उतना ज्यादा आप इंग्लिश से अकस्टम होते जाएंगे। द बेनिफिट्स ऑफ थिंकिंग इन इंग्लिश आर टू फोल्ड्स। वन, दैट ऑफ कोर्स यू आर ईजिंग इन टू द लैंग्वेज, एंड सेकेंड कि आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपके पास अपना खुद का एक वर्ड बैंक बन जाएगा। धीरे धीरे जैसे आप इंग्लिश में सोचना चालू करेंगे, आपके दिमाग में एक अपने आप एक डिक्शनरी बन जाएगी। you know, यहाँ पर मैं एक आपको फैक्ट बताती हूँ कि हम रोजाना 5,000 से 7,000 वर्ड्स का यूज करते हैं। अब आप ये सोच के देखिए कि इसमें से आप कितने इंग्लिश वर्ड्स यूज करते हैं। अभी फिलहाल हो सकता है कि वो परसेंटेज बहुत कम हो। धीरे धीरे जब आप सोचना चालू करेंगे, और इसलिए आप सोचने के कारण ज्यादा आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे, क्योंकि अब वो ट्रांसलेशन की प्रोसेस आसान हो गई है आपके लिए। अब हर चीज के पहले आपको सोचकर, पॉज करके, 10 सेकंड का ट्रांसलेशन करके नहीं बोलना है। ऑलरेडी सेंटेंस आपके दिमाग में फॉर्म हो चुका है, बस आपको कहना है। तो अब आप सोचिए कि कितने सारे वर्ड्स आप अपनी नेटिव लैंग्वेज से या हिंदी से इंग्लिश में रिप्लेस कर देंगे। और जितना ज्यादा ये वर्ड बैंक आपके दिमाग में बढ़ता चला जाएगा, उतना ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए इंग्लिश बोलना। कैन यू गेस व्हाट द नेक्स्ट स्टेप इज? ऑफ कोर्स शायद आप मेरे बैकग्राउंड से समझ गए होंगे दैट द नेक्स्ट स्टेप टू लर्निंग इंग्लिश इज टू रीड। हम सबको रीडिंग की हैबिट डालनी ही चाहिए। ये ना ही हमारी इंग्लिश के लिए अच्छी है, बट हमारे नॉलेज के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। जितना ज्यादा आप इंग्लिश की किताबें या इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे, उतना ज्यादा एक नॉलेज बैंक बन जाएगा, उतना ज्यादा आपके दिमाग में इंग्लिश की स्टोरीज कलेक्टेड होंगी। बिकॉज क्या होता है अक्सर, जैसे आप हिंदी में इतना फ्लुएंटली क्यों बात कर पाते हैं, क्योंकि वो स्टोरी, वो विजुअल आपके दिमाग में स्टोर्ड है। जैसे कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक हो, आप वही टॉपिक को शायद हिंदी में एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन या अपनी मदर टंग में एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन इंग्लिश में एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में ना ही आपके पास इनफ वर्ड्स हैं, ना ही आपकी बोलने की स्पीड है। तो जितना आप रीड करेंगे, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी, ज्यादा आपके अंदर एक वर्ड बैंक बढ़ जाएगा, आपकी रीडिंग स्पीड भी इंप्रूव हो जाएगी, और आपके पास स्टोरीज, विजुअल्स अपने दिमाग में कलेक्ट हो जाएंगे। यू नो, एक बहुत ही अच्छा कोट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, थिंक बिफोर यू स्पीक एंड रीड बिफोर यू थिंक। रीड बिफोर यू थिंक क्यों? क्योंकि कुछ भी सोचने के लिए आप एक बार अपने आप सोच के देखिए कि आप किसी भी टॉपिक के बारे में सोचते हैं, तो जब तक आपके दिमाग में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उस टॉपिक के बारे में क्या बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो सबसे आसान तरीका अपनी इंग्लिश इंप्रूव करने का यही है कि कोई भी आसान न्यूज़पेपर लीजिए। आजकल कितने सारे करंट अफेयर्स के बारे में चर्चाएं चलती हैं, न्यूज पे चर्चाएं चलती हैं, पेपर्स में आता है, कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसके बारे में पढ़िए,
और फिर सोच के देखिए, क्वेश्चंस प्रिपेयर करके देखिए कि आपने उस टॉपिक के बारे में क्या समझा. छोटे छोटे क्वेश्चंस लिख के देखिए कि क्या कॉन्टेक्स्ट था, उसके पीछे ऑथर ने क्या कारण बताए हुए हैं. ये गौर जरूर करेगा कि जब आप स्टोरी का क्रक्स लिख रहे हैं, रीजंस लिख रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हैं, सो यू आर डूइंग ऑल ऑफ दीज प्रोसेसेस इन इंग्लिश, बिकॉज दैट इज व्हाट आवर एम इज राइट नाउ. कि आप कुछ भी चीज पढ़ें, आप उसे इंग्लिश में पढ़ें, इंग्लिश में सोचें, इंग्लिश में समझें और इंग्लिश में ही लिख पाए. द नेक्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर इज लिसनिंग टू नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स. और नेटिव इंग्लिश स्पीकर्स ही क्यों? क्योंकि आपने क्या आसपास अपने किसी बच्चे को देखा है कि वो कैसे लैंग्वेज सीखते हैं? उन्हें कोई ग्रामर की, उनके पास कोई रूल बुक नहीं होती, तो वो कैसे वर्ड्स पकड़ते हैं? इमिटेट करके, ऑब्जर्व करके और सुन के. तो जिस भी भाषा में या जिस भी टोन में उनसे बात की जाएगी, या जैसे आजकल बच्चे यूट्यूब वीडियोस देखते हैं, तो अगर वीडियो अमेरिकन इंग्लिश में है तो उनकी टोन अमेरिकन इंग्लिश में हो जाती है. अगर किसी रीजनल लैंग्वेज में है तो उस तरीके से वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं. सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट व्हेन यू लिसन टू इंग्लिश नेटिव स्पीकर्स, यू विल नॉट ओनली कैच बेटर वर्ड्स बट यू विल ऑल्सो बी एबल टू करेक्ट योर प्रोनाउंसिएशंस. और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है, किसी भी लैंग्वेज में एक टोन होती है, किसी भी वर्ड का एक साउंड होता है जिसको हम इंग्लिश में इंटोनेशंस बोलते हैं, हम वो भी कैच करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंग्लिश में हम लिखते हैं हाउ इज द वेदर, लेकिन हो सकता है जब आप सुने तो प्रोनाउंसिएशन में आए हाउज द वेदर, इसको इंटोनेशन बोलते हैं. तो हाउज स्पेल्स एज एच ओ डब्ल्यू जेड, लेकिन हम जब उसे इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे एच ओ डब्ल्यू अपॉस्ट्रोफी एस या हाउ और इज, करेक्ट? सो इंग्लिश सुनने से हमें यह फायदा मिलेगा कि हम प्रोनाउंसिएशंस, टोन्स और इंटोनेशन भी ऑब्जर्व करके सीख पाएंगे. नाउ कम्स द लास्ट बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, प्रैक्टिस. ऑफकोर्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे शायद, बट दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू लर्निंग इंग्लिश. जितना ज्यादा आप इंग्लिश बोलने की और लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही ज्यादा आप अपनी इंग्लिश सीखने की जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे. प्रैक्टिस करने के दो तरीके हो सकते हैं. या तो आप खुद के साथ प्रैक्टिस करें, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम खुद से इतनी ज्यादा बातें करते हैं, हमें शायद पता नहीं होता, कोई उसका रिकॉर्ड नहीं होता, लेकिन बहुत सारी बातें हम खुद में सोचते हैं, खुद में रीजनिंग करते हैं, खुद से ही बातें करते हैं, खुद ही समझ लेते हैं. बहुत बार ऐसा होता होगा, हम सबके साथ होता है. सो प्रैक्टिस विथ योर सेल्फ. आपके घर पे जहां पे भी मिरर लगा हुआ हो, ऐसे प्रैक्टिस करिए जैसे आपके सामने एक ऑडियंस है. और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि कोई भी बुक ले लीजिए. जैसे मैंने पिछले स्टेप में कहा था कि आपको रीड करना चाहिए, चाहे न्यूज़पेपर हो चाहे बुक्स हो, सबसे पहले आप कोई भी बच्चों की किताबें पिक करिए. जैसे कि बच्चों की बुक्स में यूजली विजुअल्स होते हैं, तो विजुअल्स हमारे दिमाग में किसी भी चीज़ को स्टोर करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं. सो टेक इंग्लिश बुक्स विच आर फॉर चिल्ड्रेन. जैसे बचपन में हम पढ़ा करते थे एनिड ब्लाइटन की बुक्स, रस्किन बॉन्ड की स्टोरीज, नैन्सी ड्रू, बहुत सारे ऐसे बचपन में स्टोरीज होते थे जिससे आपको इंटरेस्ट भी आपका बिल्डअप होगा, आपकी प्रैक्टिस भी होगी. सो टेक दोज बुक्स एंड रीड आउट अलाउड. जोर से बोलने में आपको अपनी खुद ही की आवाज बार बार सुनाई देगी. चाहे तो आप उसे रिकॉर्ड कर लीजिए सो दैट यू कैन यूज देम फॉर प्रैक्टिस, और आपको धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, धीरे धीरे अपनी मिस्टेक्स करेक्ट कर सकते हैं. सो रीड आउट अलाउड. जितना ज्यादा आप अपने आप से, अपने आप को देख कर बोल सकें, जितना ज्यादा आप अपने आप को एक रियल लाइफ से मैच करते हुए सिनेरियो में डाल सकें, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपकी इंग्लिश भी बेटर होगी. दूसरा तरीका है प्रैक्टिस करने का कि आप जिन भी लोगों से बात करते हैं, घर वालों से या फ्रेंड्स से, उनसे कोशिश करिए इंग्लिश में बात करने की. पता है कि सब लोग इनिशियली थोड़ा हेजिटेट करें, सबका एम नहीं है इंग्लिश में बात करना, लेकिन आप फिर भी कोशिश करिए. इवन अगर आप दूसरों को सिखा सकते हैं तो उससे बेटर भी कोई बात नहीं है. तो इनिशियली थोड़ा सा फ्रिक्शन होगा, आपको डिस्कम्फर्ट होगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट लगे कि कहीं आप गलती ना करें, लेकिन जितनी ज़्यादा आप गलती करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अपने आप को बेटर कर सकेंगे. तो प्रैक्टिस करते वक्त ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि आपका ग्रामर सही है कि नहीं, प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं. आप अपनी गलतियों को नोटिस करेंगे, एनालाइज करेंगे और उन्हें सुधारेंगे, तो अगली बार आप उससे बेटर ही परफॉर्म करेंगे. ओके, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक स्पेशल टिप, एक बोनस टिप, दैट ऑलवेज कैरी अ लिटिल जर्नल और अ डायरी एंड अ पेन विद यू. जैसे अगर आपको कहीं कोई इंटरेस्टिंग वर्ड पता चले, सुनने में आए, कहीं आप पढ़ें, कोई इंटरेस्टिंग फ्रेज हो, तो आप तुरंत उसे नोट कर लें
और उसके बाद उसका जाकर मीनिंग देखें, उसे अपनी डेली लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश करें. दिस टिप हैज पर्सनली हेल्प्ड मी अ लॉट, नॉट ओनली इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ माई लैंग्वेज बट ऑल्सो इम्प्रूविंग माई इमेजिनेशन स्किल्स. बिलीव मी और नॉट, बट ये सभी कुछ एक लैंग्वेज को सीखने के साथ जुड़ा हुआ होता है. ऑल ऑफ दिस हेल्प्स इन ब्रशिंग अप आवर लैंग्वेज एंड इन पॉलिशिंग आवर लैंग्वेज. सो अगर आपको आज की ये टिप्स अच्छी लगी हो, अगर आपके पास कोई और टिप्स भी हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए. मैं अपने पर्सनल रिकमेंडेशंस जैसे कि कोई एप्स या कोई चैनल्स जो मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ इंग्लिश के लिए, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो बिफोर यू लीव माई चैनल, डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो.